as our today's topic is about the romantic period romantic era which is the topic of history of english literature romantic period was started from 1798 and eighteen uh, ended on 1824 the age of revolutions it means uh, romantic period is also called the age of revolution because words wanted to, to came uh, French Revolution in this era, and he worked very, very much. Okay, now we come to the movement Romanticism. Basically, the movement is also known as the Romantic Era. It was an artistic, literary, musical, and intellectual movement that originated in Europe towards the end of 13th century, and in most areas was at its peak in the approximate period from 1800 to 1890. So, this period is. आर्टिस्टिक लिटरेरी म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल यानी मूवमेंट है जिसमें इन सब चीज़ों पे काम किया गया और ये ओरिजिनेट कहाँ पे की गई यूरोप टुवर्ड्स वर्ड्स एंड ऑफ द एटीन सेंचुरी जब एटीन सेंचुरी का एंड हो रहा था एंड इन मोस्ट एरियाज वाज एट इट्स पीक इन द अप्रॉक्सीमेट पीरियड फ्राम एटीन हंड्रेड टू एटीन नाइन्टी ओके इन दिस पीरियड देर आर मैनी राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज वर्ड्स वर्थ बायरन कॉलरेज शैले कीड्स

वर्ल्ड अनादर हार्ट एंड अनादर पल्स रॉड जॉन की क्या था कि फ्रेश आइडियस जो थे वो फोर फ्रंट हुए यानी कि सामने आए पर्टिकुलरली द आइडियल ऑफ फ्रीडम हुआ इसमें लॉन्ग चेरिश इन इंग्लैंड वॉज बीग एक्सटेंडेड टू एवरी रेंज ऑफ ह्यूमन इंडीवर ओके नो वी कम टू द टाइम इन दिस टाइम एक्चुअली यूरोप इनगल्फ इन वार बाय अर्ली एटीन हंड्रेड्स कि यूरोप जो था वो इनगल्फ हो गया था इट मीनस डीपली ऑब्ज़र्व किया गया डीपली uh, ऑब्जॉर्ब हो गया था इस वार के अंदर एटीन हंड्रेड्स में सोसाइटी yeah, जो थी वो टोटली चेंज हुई थी फ्राम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओके एंड अनएम्प्लॉयमेंट फॉर सोल्जर्स था और रोमांटिसिज्म के अगर करेक्ट्रिस्टिक्स की बात की जाए तो इसमें इंडिविजुअलिज्म इसम बहुत ज़्यादा था लोग यानी कि इंडिविजुअल बेस पे काम करते थे ना कि एज़ आ टीम वर्क का ग्रुप वर्क नेचर और इसमें आर्ट को ज़्यादातर दिखाया गया जब आप जॉन किड्स की पोइम्स पे जाएंगे लाइक फॉर एग्जांपल ओल्ड ओनाग्रेशन अर्न को आप रीड करें तो उसमें उसने एक अर्न के ऊपर ब्यूटी के जरिए ये सब चीज़ें शो कराई हैं आर्ट दिखाया कि कुछ लोग जो हैं एक गाय बनी हुई है काओ और वो सक्रीफाइफिशल सेरेमनी के लिए उसे लेके जा रहे हैं और इस टाइप की उसने उसने बहुत कुछ दिखाया उसमें तो यानी उसने आर्ट को दिखाया कि आर्ट जो होता है वो हमेशा रहता है परमानेंट होता है जबकि इंसान की जो लाइफ वो टेम्प्रेरी है और इसमें इस्केप है यानी कि राइटर्स जो है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से भागने के लिए इस्केप uh, करने के लिए कुछ ऐसी पोट्री लिखते हैं थोड़ी देर के लिए वो अपनी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं इमेजिनेटिव वर्ल्ड जिसे कहते हैं तो यानी कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इस्केप करने के लिए सब करते हैं तो इसमें इस्केपिज़म दिखाया गया रिएक्शन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए सामने आया कंट्रास्ट टू इन्लाइटनमेंट था फैंसी एंड इमेजिनेशन था देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन एक्चुअली तो इसमें जो है इमेजिनेशन को वर्ड्सवर्थ ने एलिब्रेट किया कि इस ये दो टाइप्स में होता है इसकी प्राइमरी इमेजिनेशन होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है और इस टाइप से और फैंसी जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है आपके ख्याल जो हैं उन आपका जो सवर होता है वो इमेजिनेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है सुपर इसमें यानी कि चीज़ें लिखी गई गोथिक नॉवल्स वगैरह गोथिक बेसिकली कहते हैं हॉरर को जिसमें हॉरर मूव यानी कि चीज़ें दिखाई जाएँ सुपर और इसका डिक्शन कहते हैं लैंग्वेज को कि इसमें डिक्शन में अगर देखा जाए तो जो वर्ड्स वर्थ का की थेरी है थेरी ऑफ पोएट्री एंड पोइटिक डिक्शन तो उसमें यानी कि लैंग्वेज किस तरह सी किस तरह की यूज़ की गई लाइक उसने बोला कि उसने हमेशा कॉमन लैंग्वेज पे फोकस किया उसने कहा कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए कि हर किसी को समझ आ सके ओके नाउ वी कम टू द फीलिंग्स इन रोमेंटिसम द एम्फेसिस ऑन फीलिंग सीन पर हैव सैट इट्स फाइनेस्ट इन द पोएम्स ऑफ रॉबर्ट बर्न्स वॉज इन समेज अ कंटिन्यूशन ऑफ द अर्लीयर कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी एंड इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट एगजेंडर पोप प्रेस्ड हिज फादर एज हैविंग नोन नो लैंग्वेज बट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट कि इसमें यह था कि वो कहते थे कि उनने इंटलेक्ट को पीछे कर दिया रोमैंटिक्स ने और वो हार्ट को सामने लेकर आया उन्होंने कहा कि जी इंटलेक्ट बाद में आएगा हमारा माइंड जो है ववाद में लेकिन हमारी फीलिंग्स हमारी इमोशंस पहले होने चाहिए तो ये चीज़ जो है शो करवाई गई लैंग्वेज यानी कि हार्ट की लैंग्वेज को फॉलो किया गया बट फीलिंग हैड बी टू रिसीव पर्टिकुलर एंड इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रोमांटिक डेफिशन ऑफ़ पोएट्री अब देखा जाए तो वर्ड्स वर्थ ने पोएट्री को किस तरह से डिफाइन किया वो कहता है द पोएट्री इज़ द स्पोंटेनियस और फल ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी तो उसने कहा कि ये पोएट्री की डेफिनेशन है जो कि वर्ड्सवर्थ ने डिफाइन किया सॉरी एंडीन थर्टी थ्री जॉन स्टॉर्ट मिल पोइट्री पोएट्रीज फीलिंग इट्स सेल्फ इम्प्लॉइंग थाज द मीडियम ऑफ इट्स एट्रेंस। इट फॉलो दैट द बेस्ट पोइट्री वॉज दैट इन विच द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग वॉज एक्सप्रेस्ड कि जिसमें ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी हो फीलिंग की एंड न्यू इम्पॉटेंस वॉज अटैच टू द